श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु। एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आप लोगों के लिए धर्म तथा ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। आज मैं बात करने वाला हूँ 2020 में तुला राशि वालों जातकों के लिए 2020 कैसा रहेगा, किस प्रकार का। देखिए, तुला राशि वाले जातक 2020 में पराक्रम को तो प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मित्रों तथा भाइयों से विवाद हो सकता है, इनको विवाद को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपको किसी भूमि इत्यादि को लेकर भी विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि वाले जातक इसका ध्यान रखें। तुला राशि वाले जातक, साथ ही साथ चूंकि यह वर्ष, यदि मैं बात करूं भाग्य प्रतिशत की, तो भाग्य प्रतिशत इस वर्ष आपको थोड़ा सा 70 के लगभग साथ देगा। कुछ आडंबरों को भी अत्यधिक लेके रखा है, कार्य से अधिक आडंबर दिखेगा, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा तुला राशि वाले जातक। पिछले कुछ समयों से आपके जीवन में तमाम चीज़ें रही, वैवाहिक जीवन का भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव, विवाह के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में रही। साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखूं तो थोड़ा आर्थिक दबाव भी आपने झेला है। आपके मन में जो गृह इत्यादि का विचार था, वो इस वर्ष पूरा होने की संभावनाएँ हमें दिख रही है कि 2020 में गृह के योग हैं, यानी जमीन ले लीजिएगा, घर बनेगा, संघर्षपूर्ण घर का निर्माण होगा। आप ऐसा ना सोचे कि आप घर तुरंत बना दें, ऐसा नहीं होगा। तुला राशि वाले जातक को थोड़ा धैर्य से चलना पड़ेगा। घर जरूर बनेंगे, घर आप पूरा जरूर करेंगे, परंतु थोड़ा संघर्ष के साथ, संघर्ष का ये वर्ष थोड़ा सा है। 70% भाग साथ देगा, परंतु लगेगा कि सब कुछ हो गया, परंतु परिणाम में थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। यदि हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे आपके जन्म कुंडली में वो तुला राशि वाले जातक के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम जो जॉब में है उनके लिए बात करेंगे। देखिए, आपको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आप अपने जॉब में, आपके कार्य में आपको लाभ तो मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, षड्यंत्र आ सकती है, षड्यंत्र से सावधानी बरतनी पड़ेगी। और ध्यान रखना है कि आप किसी भी कार्य में, किसी भी चीज़ों पर ऐसे दस्तखत ना कर दें या इस प्रकार का कोई चीज़ ना कर दें जिसके कारण आप थोड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है, जिससे कि आपके सम्मान पे थोड़ा एक भ्रम उत्पन्न होगा। होगा कुछ नहीं, मैं स्पष्ट कर दूँ कि होगा कुछ नहीं आपको, परंतु एक भ्रम की अवस्था तुला राशि वाले जातकों के लिए आ सकता है। हाँ, यदि आप व्यवसायिक वर्ग हैं तो व्यवसायिक वर्गों के लिए लाभ की स्थिति है। आपको कई कार्य लगेंगे कि आप बस हो गया है, बस हो गया, और वह कार्य थोड़ा सा परिणाम में दिक्कत आएगी, तो वहाँ बड़ी धैर्य की आवश्यकता है। वहाँ धैर्य रखिएगा तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा और उसको आराम से कीजिएगा, हड़बड़ाहट नहीं। तुला राशि वाले जातकों का ये जो वर्ष है, यह उनके धैर्य का वर्ष है। धैर्य के साथ करें तो परिणाम मिल जाएगा। लाभ की प्राप्ति है व्यवसायिक वर्गों के लिए, लाभ मिलेगा, परंतु लाभ के साथ साथ आपके कार्य में ध्यान रखें कि बहुत अधिक कार्य को फैलाएं नहीं। जितना कार्य चल रहा है उसी को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें, अत्यधिक आडंबर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, खर्च बढ़ जाएगा, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों की व्यय की अवस्था थोड़ी सी अधिक है, व्यय हो सकता है, अनायास कुछ विशेष खर्च भी आ सकते हैं आपको, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप किसी व्यवसाय क्षेत्र में, पुराने कोई व्यवसाय आपका चल रहा हो या कोई विवाद हो, तो उसमें कुछ कानूनी दावपेच आपके रहे हैं, उसका परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावनाएं दिखती है, थोड़ा वो भी लेट फेज में, यानी वो लगभग सितंबर लगभग से आपको उसका परिणाम मिलेगा। आपकी कुछ कानूनी समस्याएं जो व्यावसायिक रूप से हैं, उनमें आपको लाभ की प्राप्ति दिखता है।
ऐसे तो दिखने लगा कि शुरू से ही कि आपको जनवरी फरवरी से ही कि अब वो परिणाम आ जाएगा आपके पक्ष में, मगर थोड़ा टाइम लेगा, वो डिले होगा। तो अधैर्य नहीं होइएगा, धैर्यता के साथ आपका कीजिएगा, आपका पक्ष आपके परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। अब हम बात करते हैं छात्रों के लिए। तो छात्रों के लिए यदि हम बात करें तो छात्रों के लिए लाभप्रद है, छात्रों के लिए लाभप्रद इन द सेंस ये है कि वो इस समय धैर्यता से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षण का योग है, अध्ययन का योग है। आप शिक्षण अध्ययन में रत रहते हैं तो आपको लाभ मिलता रहेगा, आपका परिणाम आपके पक्ष में टाइम लेके आएगा। हाँ, थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आप बहकावे में नहीं आ जाए। आप ऐसा ना सोच लें कि बस अब तो तैयारी पूरी होगी, परिणाम तो मिल ही जाएगा और तैयारी छोड़ देना, ऐसा ना करें। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपको लगे कि बस आपका सिलेक्शन सामने में हो गया, ना जी, क्योंकि यह वर्ष थोड़ा सा धैर्य का वर्ष है। मैंने पूर्व ही कहा था आडंबर स्थिति बनेगी, परंतु धैर्य परिणाम के आधार पर मिलेगा। तो धैर्य आप बना के रखें तो परिणाम उसी के आधार पर मिल जाएगा। हाँ, छात्र जीवन को यदि वो छात्र हैं तो उनको एक और बात मैं स्पष्ट बता दूं, तुला राशि वाले जातक को थोड़ा सा एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मित्रों से किसी कारणवश विवाद में ना पड़े, नहीं तो उनकी क्षति हो सकती है। प्रयास करें कि किसी भी झगड़े से अपने आप को दूर रखें, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। और किसी भी परम मित्र से विवाद ना करें, अन्यथा वह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यानी मित्र से बड़ा शत्रु कोई नहीं होता, यह लाइन तुला राशि वाले जातकों को 2020 के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या करना है इसके उपचार के लिए, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए उपचार के लिए क्या करना है, तो भगवान शंकर को दही के साथ हल्दी मिश्रित कर अर्पित करना है जी। दही मिश्रित करके हल्दी भगवान शंकर को डेली चढ़ाना है, उस पर से एक जल अर्पित कर दें और भगवान शंकर को उसके साथ साथ शिखंड चंदन लगाना है, त्रिपुंड और वेलोपत्र उनको अर्पित करना है, श्री श्री लिखकर कम से कम 3 वेलोपत्र उनको अर्पित करें। भगवान शंकर से कामना करूंगा कि 2020 आपका उत्तम रहे, आपका परिवार, आपका समृद्धि, आपके सुख, सब कुछ आपको प्राप्त मिले, सब कुछ आनंददायक रहे, ईश्वर से यही कामना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।